আমাদের সামনে প্রথম কে যুক্ত আছেন একটু বলবেন। লতিকা হালদার। লতিকা জি নমস্তে। प्रधानमंत्री जय श्री कृष्ण प्रधानमंत्री जी, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लतिका जी, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। लतिका जी, जरा अपने विषय में बताइए, आप किस लोकसभा क्षेत्र से हैं? लतिका जी, आपकी कौन लोकसभा क्षेत्र से आछेन? उत्तर मालदा 7 नंबर। अच्छा लतिका जी, आपके बूथ पर चुनाव अभियान कैसा चल रहा है? क्या आपके बूथ पर सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय कर दी गई है? लतिका दीदी, आपनार बूथे निर्वाचनी अभियान कैमन चलते? आपनार बूथे समस्त कार्यकर्ता देर दायित्व ठीक करे देवा हुए छे कि? आमार वार्डे खूब सुंदर सबाई के आमी दायित्व पालन करार जन्य बुझिए दिएछि। सबाई के খুব সুন্দর, তারা আমার কার্যকর্তারা সবাই খুব ভালো কাজ করছে এবং সন্ধ্যার সময় এসে সবাই আমাকে রিপোর্টিং দিচ্ছে। हर एक कार्यकर्ता वहां पर उनके साथ वो संपर्क में गई है और अभी सभी भाजपा के तरफ ही बात कर रही है। देखिए, बंगाल में चुनावी हिंसा की बड़ी खराब स्थितियां हो रही है, आपको प्रचार में कैसी स्थिति का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है? দেখুন, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী হিংসা একটা বড় খারাপ পরিস্থিতি তৈরি করে রেখে দিয়েছে। আপনি প্রচার করতে গিয়ে এমন কোন ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে না তো? আমি মহিলাদের একত্রিত করে সবাইকে সবার বাড়ি বাড়ি একজোট হয়ে প্রচার করছি। হম মহিলায় সব একত্রিত হোকে হম ঘর ঘর যা রে হ্যাঁ আর ইস প্রবলেম সে যুঝ রে হ্যাঁ ইস প্রবলেম সে লড় রে হ্যাঁ। तो उनकी महिलाएं भी आकर के झगड़ा करती होगी आपके साथ? ताले उनादेरो महिलारा आपनादेर संगे झगड़ा करतेन करछेन एरकम की घटना? ना ना, ना। तो आप हर जगह पे जाकर के अपनी बात बता पा रही हैं? आपनी सब जगह गिए आपना निजेर कथा राखते पाछेन? पारछी, सब जगह गिए आमी एकत्रित होये सबाईके बुझाच्छी। वो समझा पा रही है, हर घर जाके उनका कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अच्छा, जो केंद्र सरकार की योजना है, जो लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, वो सबको मालूम है कि भारत सरकार, मोदी सरकार ये मुफ्त राशन भेज रही है? अच्छा, ये जो भारत सरकार विभिन्न समय फ्रीते राशन दिच्छे, সেটা কি সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছে? হ্যাঁ, আমি সবাইকে বুঝাচ্ছি, সবাই বুঝতে পেরেছে। মোদী সরকার আ রহে হ্যায় আর ও সমঝ ভি রহে হ্যায়। लतिका जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप लोग हिम्मत से काम कर रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती चुनावी हिंसा की होती है, लेकिन चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। हम सब भी बंगाल की स्थिति पर नजर बनाए रखते हैं। आपको एक एक वोटर के घर पहुंचना है और परिवार के सदस्यों को हौसला देना है कि वो लीडर होकर मतदान करे। দেখুন, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়ে যায় নির্বাচনী হিংসা, কিন্তু নির্বাচনী কমিশন সুরক্ষার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা করছে। আমাদের সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করেছে। এই বিষয়ে आप अपने बूथ के हर व्यक्ति से मिले, उसे भाजपा की नीतियां बताएं और उसके अपेक्षाओं को से जुड़े। আপনারা এই যে বিভিন্ন প্রকল্প সেগুলো সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন কি? হ্যাঁ, পৌঁছে দিচ্ছি। ऐसा नहीं होगा, लतिका जी से हमारी बात हो रही थी और मैं तो लतिका जी को यही कहूंगा, उसके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को भी कहूंगा कि आप अपने बूथ के हर व्यक्ति से मिले, उसे भाजपा की नीतियां बताएं और उसकी अपेक्षाओं से जुड़े।
बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर और विधानसभा के स्तर पर अपने वोटर्स का पूरा डेटा अपने पास रखे। देश के प्रधानमंत्री संगे अपना कथोपकथन की पश्चिम बंग विधानसभा বিরোধী দলনেতা আমাকে উনি বলেছিলেন যে তুমি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ চালিয়ে যাচ্ছ এই অঞ্চল থেকেই আমার মন্ডল প্রেসিডেন্ট উনি আমাকে সন্ধ্যার সময় মোদী সরকার পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে আমাদের সবার প্রিয় সকলের মানুষ আমাদের চোখের নামে উত্তর বাংলা সাংগঠনিক জেলার সম্মানীয়।